जानकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, बहुत सारी बात कल की बात आ चुका है, अभी की बैठक में हम कुछ बात कहना चाहेंगे। हम शिवशंकर जी के बात से भी हम सहमत हैं कि जो बात हम कल किए सरदारी के द्वारा हमको उसी समय में राघवेंद्र सिंह के समय में ही करना चाहिए, क्योंकि हमसे यह चूक हुआ है, सभी लोग से इसका चूक हुआ है। जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं इसका दोषी सभी लोग हैं। और जो बैठक के विषय में जो अनुमंडल पदाधिकारी लोग लेटर निकाले हैं वही बैठे शिवशंकर जी से भी बातचीत वहां किए, एक तारीख था इसीलिए हम अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में गए थे। हमको जो दो बात कहना है, यह जो वेतन निकाला गया है तो सिर्फ राजनीतिक दल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पत्रकार के कुछ लोग को ही पत्र दिया गया है। कल की बैठक में यही लोग रहेंगे, जितना भी योजना है बना चुके हैं, न तो कल डीएसपी साहब को रहना है, न थानाध्यक्ष को रहना है, न किसी पदाधिकारी को रहना है। सिर्फ हम लोग जो कल चर्चा किए थे, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के सब यानी कि भय से पुनः इन लोग सभी पदाधिकारी हमेशा यह चाल चलते आए हैं और वो चलने का काम किए हैं। यह इनका एक ही गलती नहीं है, हम आपको बताना चाहेंगे। ये तो हम लोग को सभी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ बहुत सारे लोग जो अनुमंडल अनुसर्वन समिति में है, हम बार बार पर भी चर्चा किए थे। जब अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल अनुसर्वन समिति का चिट्ठी निर्गत किया जाता है, अनुमंडल में लगनिया के लोग भी यहाँ उपस्थित होते हैं, बासपट्टी के लोग उपस्थित होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक अनुमंडल सदस्यता कमेटी का नाम से ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। 30 तारीख के मीटिंग बुलाए थे, 29 तारीख के हम पूरा लिखित डाले हुए हैं उस ग्रुप में कि 29 तारीख के तक किसी भी अनुमंडल अनुसर्वन समिति के सदस्य को पत्र नहीं मिला दिया गया है। इसलिए पिछले बैठक में इस प्रकार से वार्तालाप का उपस्थिति नहीं था, जब खुद उस ग्रुप में है संज्ञान नहीं लिए। हम कल जो बैठक से पूर्व वहां जाकर के नाजिर को चिट्ठी निकाला था, नाजिर से मिले, नाजिर बोले कि हमें सुप्रण कर्मचारी से दे दिए हैं, उनसे मिले कोई चिट्ठी नहीं है। लखन पीर उनसे मिले, उनके पास में भी नहीं है। एक वही पासवान नाम का पीर है, उनकी उनसे भी मिले कोई चिट्ठी नहीं है। सिर्फ वहां जाकर के बैठक तक हम वहां उपस्थित थे, सिर्फ हमको जानकारी लेना था कि बैठक में किन किन लोगों को बुलाया गया। क्योंकि इतना सारा बात होने के बाद भी अनुमंडल पदाधिकारी बैठक बुलाए हैं, बहुत सारा चेहरा जाना पहचाना चेहरा है, और वो बैठक में नहीं है तो वहां से फोन करना चाहिए। यहाँ पर भी जो मीटिंग किए तो अभी भी यहाँ से फोन किए, पर जो लोग नहीं आए हैं फोन किए हैं, तो ये फोन करना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी का जो चुप है, पदाधिकारी का चुप नहीं, यह जान बुझ कर ऐसा किए हैं। यदि हमने बैठक का बहिष्कार किए हैं, कल का जो बैठक में हमने जो निर्णय लिए हैं, हम लोग को निर्णय बढ़ाना चाहिए, आगे के बैठक में हम लोग पुनः बैठक आएंगे तो शामिल होना चाहिए। यदि अगर हमने कल का निर्णय कल में जो कल जो हमने कमेटी गठन किए हैं, अगर यह कमेटी के सिर्फ तोड़ करके जाते हैं लोग, जो वही होगा जो हमेशा जयनगर में पदाधिकारी के द्वारा मीटिंग करने यानी जनता के आक्रोश, व्यवसाय के आक्रोश और राजनीतिक दल के आक्रोश के बाद जो पीठ पूछने वाला जो अभियान चलता है, यही बराबर में होगा। अब यही में हमारा कहना है कि जो कल जो मीटिंग में निर्णय लिया गया है, इसके खिलाफ एक अभियान होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। आगे के बैठक में हम लोग बुलाएंगे तो देखा जाएगा। हम लोग अपने कमेटी गठन कर लिए हैं, इस पर चलना चाहिए। धन्यवाद। और चूंकि रामाऊ जी नहीं आए हुए थे तो उनसे आग्रह करेंगे कि वो सब इस संबंध में